हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नई शुरुआत सुबह की। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ के लग गई हूँ झाड़ू पोछा लगाने में। बस यही हम लोग का काम ही होता है औरतों का। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। आंगन में मैंने झाड़ू लगा ली है और क्योंकि सबसे पहले उठते हैं तो आंगन में ही झाड़ू लगाती हूँ। और ये कमरे की झाड़ू रह गई थी तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और सुबह उठो तो एकदम शांति रहती है और हमारे यहाँ पे कोई नहीं है तो सभी लोग सो रहे हैं। ये तो उठ गए हैं, आराध्या सो रही थी तो आराध्या भी देखो उठ के ऐसे लेटी हुई है। और ये देखना मच्छरदानी के नीचे से निकल आएगी और ये आराम से इसमें से निकल आती है, चैन नहीं खोलती, ऐसे ही निकलती है। तो हमारा झाड़ू वगैरह लग गया है और अब हम लगा लेते हैं किचन में पोछा और कमरे में पोछा। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम सुबह ही होते हैं। और सुबह उठो तो सुबह से ही काम में लग जाओ, जैसे रात ना हो तो आदमी सोए ही ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तो हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, बस आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप लोग हमें लॉन्ग वीडियो पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लॉन्ग वीडियो पे भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो हम इसी चैनल पे लॉन्ग भी बनाते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए इस पर। और अब झाड़ू पोछा वगैरह हमारा हो गया है तो अब हम कर लेते हैं थोड़े से आराध्या का ये बोतल वगैरह धो लेते हैं क्योंकि ये उठ गई हैं। तो इन्हें चाय वगैरह पानी वो गर्म करके थोड़ा सा बोतल वोतल धो के इनको फिर दूध वगैरह भी देना होगा हमें। तो अभी ये बर्तन आप लोग जो देख रहे हैं ये रात के बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन सबके नहीं पड़े हैं क्योंकि सब लोगों ने खा लिया था खाना और मैंने धो के रख दिए थे रात में ही। ये बर्तन जो है ये रात के 11 बजे आते हैं काम से, तो ये रात में आते हैं जब भी 11:30 तभी ये खाना खाते हैं, तो ये बर्तन उन्हीं के पड़े हैं। तो ये तो थोड़ी ना धोएंगे रात में और मैं भी सो जाती हूँ, तो वही बर्तन रखे हैं और 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इनको मैंने सोचा मैं सुबह ही धो लेती हूँ, तो मैं सुबह ही धोती हूँ इनके बर्तन। और बस थोड़े से ही हैं, 4-5 बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें खाना वगैरह रख देती हूँ निकाल के इनका और अपना उठा के खा लेते हैं। मैं सो जाती हूँ, कभी कभी जगती भी रहती हूँ। तो इधर हम आराध्या की बोतल भी साफ़ कर लेंगे, और स्टील की बोतल है तो साफ़ हो जाती है, बस जूना से मांज दो साफ़ हो जाती है। और तो हमारी एक बहन ने हमें कमेंट किया था कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं और हम सबको सपोर्ट करते हैं, उनसे यही हम कहना चाहेंगे। और हम सबका चैनल जो है, जो जिसके वीडियो देखते हैं हम सबको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और हमसे अगर कोई हेल्प मांगता है तो हम उसे ज़रूर हेल्प करते हैं। और हमने आपका भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपने जैसे ही हमें कमेंट किया था मैंने किया है, हम भी आपके जैसे ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें कमेंट किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कोई हमें भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं। तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करने से ही चलती है आगे गाड़ी। तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और हमने बहुत सारे चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर हमारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और आराध्या का मुंह वगैरह धो देती हूँ क्योंकि सुबह उठती हैं तो सुबह तो नहीं नहलाती हूँ, तो अभी मैं धो लेती हूँ। तो इनको अभी नहीं नहला पाएंगे तो मैं इनको दोपहर में ही नहला पाती हूँ। तो आराध्या का मुंह वगैरह मैंने धो दिया है और इधर अनिकेत भी सो के उठ के आ गए हैं, तो ये भी बैठे हुए हैं, तो ये आप लोग से हाय बोल रहे हैं। तो अनिकेत अभी सुस्त है क्योंकि उसे भी जुखाम हो गया है, आराध्या को भी बहुत तेज़ जुखाम हुआ है, बहुत सर्दी हो रही है सबको, और पता नहीं क्यों मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए सबको जुखाम सर्दी हो रहा है। तो इनको मैंने
दूध वगैरह दे दिया है पीने के लिए, तो ये अपना दूध वगैरह पी लेंगी। उसके बाद मैं कोई काम कर पाऊँगी, क्योंकि ये जब तक पियेंगी नहीं दूध तब तक ये मुझे काम नहीं करने देंगी। और इनकी आदत है कि बोतल में ही दूध पियेंगी, मगर गोदी में ही पियेंगी दूध को, तो ये ऐसे नहीं पीती हैं। और फिर मैंने इन दूध इन्होंने पी लिया, उसके बाद मैंने इनकी कर दी है चोटी, क्योंकि रात में सोती है तो इसके सारे बाल उलझ जाते हैं, तो सुबह मैं उठ के इसकी चोटी वगैरह कर देती हूँ और थोड़ा सा क्रीम पाउडर काजल वगैरह लगा देती हूँ, तो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, ना ही धोई लगती है। और बच्चों को कर दो तो सही लगता है, बच्चे अपना खेलते रहते हैं, फिर चाहे जिस टाइम नहलाओ उनको। अब अगर उनका मुंह ऐसा होता है ना, काजल नहीं हो आँख में, तो अजीब सा लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मैं सुबह इनको लगा देती हूँ क्रीम पाउडर, और कभी नहीं लगा पाती हूँ किसी के मतलब कारणवश तो नहीं लगा रह जाता है, और नहीं तो इनको कोशिश करती हूँ कि सुबह ही तैयार कर दूँ, फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ, फिर मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगे मुझे घर में काम करने में ही, तो पहले इनका टिम टाम कर दो तो अच्छा है। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमें कोई कमेंट करता है तो बहुत खुशी मिलती है। और इधर ये पापा कल लाए थे सहजन की फली, तो यहाँ पे नोएडा में सहजन की फली बहुत मोटी मोटी मिलती हैं, वैसी पतली वाली नहीं मिलती है, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें पतली अच्छी मिल जाती हैं, यहाँ पर ये मोटी ही मिलती हैं, तो फिर भी हम लोग बना के खा लेते हैं, रोज़ नहीं पर कभी कभार सीजन में बना लेते हैं एक दो बार, अच्छी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, और मतलब फ़ायदेमंद भी बहुत होती हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये, तो इनको छील के, और जब ये लाए थे आधी तो आराध्या ने इनको तोड़ फोड़ के बराबर कर दी हैं, और इनको मैं छील के टुकड़ों में काट लेती हूँ, और ये कुछ भी काम करने नहीं देती हैं, जब भी कुछ करने बैठो तो बस परेशानी करती रहती हैं। और देखिए मैंने सहजन की जो फली थी ऐसे कट करी हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे बनती हैं, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कभी नहीं बनी थी, यहाँ मैंने किसी के पास खाई थी बनी हुई, तो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उनसे ही पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ऐसे से बनाते हैं, तो बस मैं वैसे ही उन्हीं के तरीके से बनाती हूँ, पर अच्छी लगती हैं, खाई है मैंने, बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मैंने सहजन की फली फ्राई कर ली है, और ये आलू भी मैंने फ्राई कर लिया, और आलू को मैंने आज बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, तो छोटे छोटे आलू काटो तो वो मुझे लगता है स्वाद उनका बदल जाता है, तो अब इनको मैं ऐसे ही छौंक दूँगी। और इधर देखिए मेरी सब्जी बन के हो गई तैयार, और बहुत अच्छी देखने में लग रही है, और चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है, और इनका कहना है कि दोपहर में चावल बना लिया करो, और चावल रोटी दोनों चीज़, तो चावल दोपहर में अच्छी लगते हैं खाने में, और तरी वाली सब्जी हो ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये इधर आए थे दूध वगैरह लेके दे गए हैं हमें, तो अभी ये जा रहे हैं, आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, तो आप लोग इनकी हाय ले लो भाई, ये आप लोग हाय बाय कर रहे हैं। तो और इधर फिर मैं अपना काम धंधा करके इधर मैंने आराध्या को नहला रही हूँ, आराध्या को नहला देती हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, और 10 बजे तक मेरे सारे काम 10:30 तक फ्री हो जाते हैं, मैं सारे काम करके, और पापा भी नहीं कर रहे हैं ड्यूटी, तो मुझे आराम है, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको देखते रहते हैं, अब वो चले जाएंगे ड्यूटी कल से, तो नहीं कर पाऊँगी। और देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धो के डाले हैं, बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और डेली हमें इतने कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए।